सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे फेशियल, वो भी वाओ स्किन साइंस की उबटन रेंज के साथ, जिसके लिए मैंने वाओ स्किन साइंस का उबटन फेस वॉश ऑर्डर किया था, स्क्रब लिया है, पैक लिया है, और उसी के साथ ऑर्डर किया था मैंने वाओ स्किन साइंस का उबटन सीरम। और ये बहुत ही बेनिफिशियल हैं, ये मैं सेकेंड टाइम कर रही हूँ तो आपके साथ मैं शो कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल मेरे फेस के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, मुझे बहुत सारे छाइयाँ वगैरह हो गई थी, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा सोचा कुछ ना मैं नेचुरल यूज़ करूँ। तो नेचुरल की बात आती है तो वाओ स्किन साइंस से ऊपर कुछ नहीं है। जो लोग मुझे डेली फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वाओ स्किन साइंस के यूज़ कर रही हूँ, लेकिन उबटन की रेंज जो है पूरी वो मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ की है। और यकीन मानिए, इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। और पहले तो हम फेशियल करते हैं, और फेशियल करते करते आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताने वाली हूँ। फेशियल स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम? क्लींजिंग से। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है इसका फेस वॉश, वाओ स्किन साइंस का उबटन फेस वॉश। और इस बार मैंने ब्रश वाला ऑर्डर किया था, और ब्रश वाले से एक ये फ़ायदा हो जाता है कि आपका जो फेस है वो अच्छी तरह से रोज़ साफ़ हो जाता है। तो क्लींजिंग के लिए पहले मैंने जस्ट फेस वॉश यूज़ किया है, और उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्क्रबिंग के लिए इनका स्क्रब। और इसकी खासियत ये है कि ये एक बॉडी स्क्रब भी है और ये फेस स्क्रब भी है। और सबसे अच्छी बात है, जब आप इसको खोलते हो ना तो इसकी खुशबू, ओ माय गॉड, आपको इंग्रेडिएंट्स की असली वाली खुशबू आती है। और इसकी लुक को देख के भी, इसको प्रोडक्ट को देख के भी पता चल जाता है कि सच में इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं। और इनकी खासियत ये है कि इनमें कोई भी केमिकल नहीं होता, नो पैराबेन, नो सल्फेट, नो सिलिकॉन। और हर प्रोडक्ट के ऊपर QR कोड दिया जाता है, जिसे आप स्कैन करके इसकी जो सच्चाई है वो जान सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कितना केमिकल फ्री है। तो नेक्स्ट स्टेप है तो स्क्रबिंग का है। तो मैंने फेशियल को तो ज़्यादा जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया है कि कैसे करना है कैसे नहीं, कि मेरी इस पर बहुत सारी वीडियोज़ आ चुकी हैं, तो उनकी जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आपको पता है कि मैं मोस्टली जो घर की चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, कुदरती चीज़ों में ज़्यादा यकीन रखती हूँ, मैं बाज़ार से ऐसा कुछ फेशियल वगैरह लेके नहीं करती। लेकिन वाओ स्किन साइंस की बात ही कुछ अलग है। इनके प्रोडक्ट्स चाहे आप हेयर के ले लो, चाहे आप फेस के ले लो, चाहे बच्चों के प्रोडक्ट्स ले लो, ये बहुत ही बढ़िया होते हैं, केमिकल फ्री होते हैं, बिल्कुल टेस्ट करके ये हम तक पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये इंडिया में ही बनते हैं, तो थोड़ा सा हमें भारत को सहयोग देना है, अपने भारत को आगे बढ़ाना है, तो इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना है। और स्क्रबिंग बॉडी स्क्रब भी है, इसलिए मैंने हैंड्स वगैरह भी अच्छे साफ़ कर लिए। स्क्रब करने के बाद आपको फेस को डैब डैब करके साफ़ करना है, टॉवल से रगड़ना नहीं है। उसके बाद मसाज की बारी आती है। तो मसाज के लिए तो मेरे पास इनकी क्रीम तो नहीं है, क्योंकि मैंने अभी ऑर्डर नहीं की, मेरे पास गुड वाइब्स की क्रीम है। तो मैंने वही अपनी खीरे वाली जेल, जिसमें मैंने बादाम रोगन डाल के घर की क्रीम बनाई है, उससे मसाज की। और उसके बाद बारी आ जाती है इनके पैक की। ये अगेन एक बॉडी पैक है, इंग्रेडिएंट्स वही हैं, हल्दी, चंदन, सब जो दालचीनी वगैरह जो कुदरती होते हैं। और इनको लगाने से, उनकी खुशबू से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें सच में वही प्रोडक्ट्स जो है, इंग्रेडिएंट्स सॉरी, यूज़ किए गए हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं तो आजकल पर्पल पे चल रही है बहुत बड़ी सेल। अगर आप वाओ स्किन साइंस के दो प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसके साथ आपको एक प्रोडक्ट बिल्कुल फ्री मिलता है, तो है ना फ़ायदा। तो मैंने तो दो ऑर्डर किए थे और उसके साथ मुझे एक फ्री मिला, और 400 रुपये का आपको आराम से मुनाफा हो जाता है। फेस पैक लगाने के बाद उसे 10 मिनट सूखने देना है, और जब उसे उतारना है तो इस तरह हाथों से गिले करके उसको पहले मसाज करनी है और फिर उतारना है। और नेक्स्ट जो आप अपना फेस साफ करते हो टॉवल से, आपको उसको डैप डैप करके साफ करना है, रगड़ना नहीं है। फेशियल हो गया, आप देख सकते हो कि स्किन में कितना जो है निखार आ गया है, पहले से जो है वो स्किन ग्लो कर रही है, अच्छे से साफ़ हो गई है। उसके बाद मैंने इन्हीं की सीरम जो है वो अप्लाई की। सीरम का कलर देख के, उसका टेक्सचर देख के, उसकी खुशबू देख के बिल्कुल पता चल जाता है कि हाँ, इसमें जो है वो कुदरती चीज़ें डाली हुई हैं। और सबसे प्यारा मेरा इन्ग्रीडियंट हल्दी भरपूर मात्रा में इसे डाला है। आज की वीडियो अच्छी लगी है, लाइक ज़रूर करें, और जाते जाते सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हरित्वी बहल एंड ममा रॉक्स को। थैंक यू।